सुप्रभात विद्यार्थियों, वाच्य परिवर्तन हमारा चल रहा था और वाच्य परिवर्तन डिटेल्स मैंने आपको लिखवाई थी, एक बार उसका रिवीजन कर देते हैं। वाच्य तीन प्रकार के आपको बताए गए थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहचानना आपको है कि कर्तृवाच्य को कैसे पहचानेंगे, कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे और भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है और क्रिया लट लकार कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। कर्मवाच्य में चेंज करना होता है तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया आत्मनेपदी कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसके बाद आता है आपके भाववाच्य, भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और क्रिया आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे चल रहे थे तो आज हम एग्जाम्पल्स देंगे क्योंकि एग्जाम में केवल एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। वाक्य आपके पास में आएंगे, अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरु, नीचे लिखे वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करें। वाक्य लिखा हुआ आएगा, वाक्य पहचानना भी आपको है और परिवर्तित भी आपको करना है। तो वाक्य को पहचानेंगे, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, फिर उसको चेंज करना है। अब आपको बताया गया था कि कौन सा वाक्य किसमें चेंज होता है, कर्तृवाच्य को हम चेंज करेंगे कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में जब कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों होंगे उसको हम चेंज करेंगे कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को हम चेंज करेंगे कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य ऐसा आ जाए जिसमें कर्म नहीं हो केवल कर्ता और क्रिया हो उसको हम चेंज करते हैं भाववाच्य में और भाववाच्य को हम चेंज करते हैं कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कोई लेना देना नहीं है, कर्मवाच्य भाववाच्य में चेंज नहीं हो सकता और भाववाच्य कर्मवाच्य में चेंज नहीं हो सकता। तो लेते हैं एग्जाम्पल्स, अहम ग्रामम गच्छामि, इस तरीके से आपके पास में वाक्य हैं। अब हमें इसको पहचानना है और पहचान के इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो देखिए यहां पर जैसे अहम लेगा, अहम आता है प्रथमा विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति आते ही आपका ध्यान जाएगा कर्तृवाच्य की तरफ, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है तो हम इसको चेंज करेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए ये जो प्रथमा विभक्ति है इसको हम करेंगे तृतीय विभक्ति में, तो ये अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, चेंज करेंगे तृतीय विभक्ति के एक वचन में। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया, तृतीय एक वचन हो जाएगा मया, तो अहम के स्थान पर हमने क्या कर दिया, मया कर दिया। इसके बाद रही कर्म पर, कर्म ग्रामक है, कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो कर्म हो जाता है प्रथमा विभक्ति में और ग्रामों की प्रथमा बन जाएगी ग्राम है। अब आ जाइए क्रिया, क्रिया आत्मनेपदी, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि आत्मनेपद का रूप कैसे चलता है, वैसे ही आपको आत्मनेपद का रूप प्रयोग करना है। क्रिया आत्मनेपदी कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। यहां कर्म देखिए, कर्म है यहां पर ग्राम है और ग्राम है एक वचन का रूप है इसलिए क्रिया भी यहां एक वचन की आएगी और ये आपका बन जाएगा गम्य। और लेते हैं एग्जाम्पल, बालकः कार्यं कुर्वन्ति, बालक कार्य करते हैं, बालका प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, बालकः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और साथ में कर्म भी आ रहा है क्रिया भी आ रही है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है और कर्म आ रहा है तो हम चेंज करेंगे इसको कर्मवाच्य में। प्रथमा को हम चेंज करेंगे तृतीया में, प्रथमा का बहुवचन चेंज करेंगे तृतीया के बहुवचन में,
ये आपका हो जाएगा बालकनी, बालकनी। कार्यम शब्द को हम चेंज करेंगे प्रथमा में, तो प्रथमा में कार्य नहीं रहेगा क्योंकि नपुंसकलिंग रूप है और नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों का एक ही रूप चलता है, तो यहां पर रहेगा कार्यम कार्य। अब आ जाइए क्रिया में, क्रिया हमें लगानी है आत्मनिपद में और वो भी कर्म के अनुसार। अब आत्मनिपद का रूप लगाना है कर्म के अनुसार, कर्म यहां पर है कार्य, एक वचन का रूप है इसलिए क्रिया भी आ जाएगी एक वचन की और ये आपका हो जाएगा क्रियते। अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एग्जांपल लिए थे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के एग्जांपल हमने लिए, अब हम लेते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे। रामे रावण है अन्य, देखिए कर्ता को देख के आपको वाक्य को पहचानना है, जैसे आपने कर्ता देखा रामेण है, रामेण में तो तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति का मतलब है ये तो कर्मवाच्य हो गया और कर्मवाच्य हमेशा चेंज होता है कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में चेंज करने के लिए ये तृतीय है, कर्तृवाच्य में हो जाएगा प्रथमा, ये तृतीय का एक वचन चेंज करेंगे प्रथमा के एक वचन में राम है। कर्तृवाच्य में कर्म होता है द्वितीय विभक्ति में, तो रावण है शब्द में हम लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, ये हो जाएगा रावणम। अब आ जाइए क्रिया में, वाक्य बना रहे हैं हम कर्तृवाच्य का और कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता यहां पर है राम है एक वचन का रूप है इसलिए क्रिया की लट लगा में एक वचन की आ जाएगी और ये आपका रूप बन जाएगा हंति, तो हो गया राम है रावणम हंति। और लेते हैं एग्जाम्पल, अस्माभिः चित्राणि दृश्यन्ते, अस्माभिः चित्राणि दृश्यन्ते, इधर लिखते हैं एग्जांपल को उधर दिखेगा भी आपको, देखिए अस्माभिः चित्राणि दृश्यन्ते, जैसे ही हमने अस्माभिः को देखा तृतीय विभक्ति, और जहां कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है वो कर्मवाच्य होता है और आपको पता है कर्मवाच्य चयन होता है कर्तृवाच्य में, तो यहां तृतीय की जगह हम करेंगे प्रथमा, तो ये तृतीया का बहुवचन है चेंज करेंगे प्रथमा के बहुवचन में तो हो जाएगा वयम। चित्राणि कर्तृवाच्य में होता है कर्म द्वितीया में, तो द्वितीया की चित्राणि रहेगा क्योंकि नपुंसकलिंग का रूप है प्रथमा द्वितीया एक ही होता है चित्राणि। दृश्यन्ते ये तो आत्मनिपद का रूप है लेकिन यहां हम चेंज कर रहे हैं कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य में क्रिया लट लकार किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता है वयम और वयम जब कर्ता में आता है तो वो उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, तो यहां उत्तम पुरुष बहुवचन तो यहां क्रिया भी आएगी उत्तम पुरुष बहुवचन और रूप आपका बन जाएगा पश्यामि। लट लकार परस्पर पद चलेगा पश्यति पश्यते पश्यन्ति और आत्म में पद चलेगा दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, तो यहां आपको कल्पित होने की जरूरत नहीं है आत्म में पद में और परस्पर पद में दोनों में अलग अलग रूप चलेगा दृश्य धातु का, दोनों में धातु है दृश्य, तो वयम चित्राणि पश्यामि।
से असंति, ते असंति। अब देखो दो ही शब्द हैं यहां तो, ते और असंति, तो दो शब्द का मतलब ये नहीं है कि ये भाववाच्य हो गया। देखिए कर्ता में देखिए ते प्रथमा विभक्ति है, सह तौ ते प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति तो कर्तृवाच्य में आती है, भाववाच्य में तो कर्ता तृतीय विभक्ति में आता है, तो ये कर्तृवाच्य है लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसका मतलब ये चयन होगा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में केवल कर्ता और क्रिया हो, कर्म नहीं हो, तो वो चयन होता है भाववाच्य। भाववाच्य में चयन करेंगे, भाववाच्य में कर्ता हो जाता है तृतीय में, तो इसकी तृतीय बन जाएगी तई। सह तव ते तम तव तान ते ताभ्याम तई। अब आ जाइए क्रिया में, क्रिया में आपको बताया गया था कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा हस्य। और लेते हैं एग्जाम्पल, सा पुस्तकम ददाति। देखो कर्ता कर्म और क्रिया, सा प्रथमा विभक्ति है तो ये तो कर्तृवाच्य हो गया, और कर्तृवाच्य चयन होते हैं कर्मवाच्य में, सा की तृतीया तया, सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि, तो प्रथमा चयन तृतीया करेंगे तो तृतीया हो जाएगा तया। पुस्तकम नपुंसकलिंग का रूप है तो प्रथमा द्वितीया एक ही रहेगा, तो यहां पर रहेगा पुस्तकम। अब आ जाइए ददाति, आत्मनिर्भर का रूप लगाना है, वो भी लगाना है कर्म के अनुसार, क्योंकि हम चयन कर रहे हैं कर्मवाचक, कर्म पुस्तकम है एक वचन का रूप है, तो यहां पर क्रिया भी आएगी एक वचन में और हो जाएगी दीयते, दीयते। त्वया हस्यते, देखिए दो ही शब्द हैं, पहले देखते हैं कर्ता में, जैसे ही आपने देखा त्वया, और त्वया आपने देखा कि तृतीय विभक्ति का रूप है, इसका मतलब ये भाववाच्य है, तृतीय विभक्ति है, साथ में क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये हो गया आपका भाववाच्य, और भाववाच्य चेंज होता है कर्तृवाच्य में, और कर्तृवाच्य में कर्ता होता है प्रथमा विभक्ति में, तो ये तृतीय है, तृतीय को हम करेंगे प्रथमा में, तो त्वया की प्रथमा हो जाएगी त्वम, त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया तृतीय का एक वचन हमने चयन किया प्रथमा के एक वचन में। अब आ जाइए क्रिया, यहां आपको विशेष ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में चयन करें तो कर्तृवाच्य में क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार, तो कर्ता यहां पर है त्वम, और त्वम जब कर्ता में होता है तो वह मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहां क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन, तो हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन वो आपका बनेगा हससी। तो ये आपके हैं भाववाच्य, युवाम युवाम चित्राणि पश्यते, देखिए कर्ता देखिए प्रथमा में त्वम युवाम युवाम, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और युवाम के अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग हुआ है पश्यते मध्यम पुरुष में, तो यहां पर प्रथमा विभक्ति है, साथ में कर्म भी है, चेंज करेंगे कर्मवाच्य में, प्रथमा विभक्ति द्विवचन चेंज करेंगे तृतीय विभक्ति द्विवचन, युवाभ्याम चित्राणि प्रथमा द्वितीय एक ही रहता है,
युवाभ्याम चित्राणि। अब देखिए पश्चात दृश धातु है, दृश धातु में हमें आत्मनेपद का रूप लगाना है, वो भी कर्म के अनुसार, और कर्म यहाँ पर चित्राणि है और चित्राणि बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद की क्रिया आएगी, वो भी बहुवचन की आएगी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका दृश्यन्ते। तो विद्यार्थियों ये था आपका वाच्य परिवर्तन, काफी एग्जाम्पल हमने लिए, वाच्य परिवर्तन आपका कंप्लीट है, रिवीजन आपको करना है इसका, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम। धन्यवाद।